दोस्तों इसकी रिंगें ख़राब हो चुकी हैं, तो हम इसमें रिंगें डालने वाले हैं और आपको फुल फिटिंग बताएंगे कैसे फुल फिटिंग किया जाता है। और दोस्तों इस जो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें अभी हम ब्लॉक रखने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। और रिंगों का सेट, रिंगें कैसे सेट करना है, मैं कई सारे वीडियो दे चुका हूँ। तो सिंपली से आपको कुछ भी नहीं करना, इसको उठा के रख देना है, मैं आपको बताता हूँ। और ब्रासे हमने बैठा दी, इसके बाद हम इसको इंजन में बैठाते हैं। आप दोस्तों देख रहे हैं, हमने इसको बैठा दिया है। इसके बाद इसके जो चारों नट होते हैं लगा देना है। और मेन चीज़ आपको इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात, जो आप ये वाल के कट देख रहे हैं, वाल के जो आपको कट देख रहे हैं, जो ये शायद हाँ ये देख रहे हैं आप, ये जो वाल के कट देख रहे हैं, ये रखना किस तरफ है, तो मैं यही आपको बताऊँगा। ये जो हमारे कट होते हैं, ये हमारा आएगा वालों तरफ, जो हमारा ये पंप होता है, जिस तरफ पंप लगता है उस तरफ होंगे। इसमें और कुछ नहीं दोस्तों करना होता आपको। अब इसके बाद आपको सिर्फ इसमें गैस्केट है ये जो हमने डाल दी है ये, और इसके बाद आपको हेड बैठा देना, इसमें और कोई और कुछ नहीं करना। गैस्केट उल्टा सीध नहीं होती, आप जिस तरफ से चाहें उस तरफ से डाल सकते हैं। तो हमने इसके चारों नट टाइट कर दिए हैं और नीचे के भी कर दिए हैं। और इसके जो चार नट होते हैं हेड वाले, इनको अच्छे से टाइट करिए, बहुत अच्छे से, जिससे हो तो होगा क्या, अगर हमारे नट हल्का सा स्लिप या स्टेट ख़राब हो गए हो तो आप चेंज कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो गैस्केट होती है, ये गैस्केट फट जाती है, तो आप इसमें कोई दिक्कत ना लें, आप इसको चेंज कर दें। तो आप दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एक पैकिंग होती है जो रॉकर वाली होती है, तो आप इसको पैकिंग आती है ये, इसमें परी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद पैकिंग में आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद इसके जो पुश रॉड होते हैं इसको लगा देना है आपको। अब देखिए दोस्तों, ये जो पुश रॉड होते हैं, और ऊपर से देखा ऊपर से, तो इसमें एक जो वाले होते हैं हमारी जो दबाती हैं, उनमें से ध्यान से अच्छे से बैठा दे, इसके बाद इसको बैठा देना। अगर आपका वो पुसराट अगर सही से बैठेंगे नहीं, तो आपकी वाल जो है वो चलेंगी नहीं, तो आपको पुसराट लगा देना है। इसके बाद में ये जो चार नट हैं, ये चार नट मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। हमने इसको अच्छे से चारों ये नट टाइट कर दिए हैं, चारों नट। इसके बाद इसकी टैपिट की जो सेटिंग की जाती है, तो उसके सेटिंग करने से पहले हमको जो CR के नट होते हैं उनको लगाना होगा। दोस्तों ये रही हमारी CR, इसको बैठाना कैसा है मैं आपको बताता हूँ। तो जो दोस्तों ये आप कट देख रहे हैं ना, मेन इम्पोर्टेंट होता है ये जो कट देख रहे हैं, इसी तरह दूसरे वाले कनेक्टिंग में भी कट होगा। तो ये कट और उसका कट आमने सामने कर देना है, मतलब ये ध्यान से करना है आपको, ये जो कट और ये कट उसका कट आमने सामने करना है। अगर आप आमने सामने नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो CR होती हैं घूम जाएंगी और इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होगा, तो इन्हें आमने सामने करना है। इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, जो इस उस तरफ वाली देख लेना है और इस तरफ ये जो कट है दोनों को आमने सामने कर देना है। इसके बाद लगाता हूँ मैं इसको, अच्छे से टाइट कर दिया है, और इसको अच्छे से टाइट करें, जो लॉक होती है तो लॉक में बाद में लॉक लगा दें, इसको थोड़ा सा टेपर कर दिया जाता है जिससे कि हमारा चलने पर इंजन ना खुले। तो इसको अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से टाइट करना है। अब इसके बाद जो हमारी ब्रासें हैं बिल्कुल सही हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसको पल्ला नट टाइट करते हैं सगले जितने भी हैं। इसके बाद पंप की सेटिंग बताते हैं आपको। तो इसकी जो स्प्रिंग होती है, ये जो बीच का गैप होता है लगभग दो, मतलब आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा दब रहा है, लगभग दो सीमों के इतना हमारा पंप की स्प्रिंग को दबना चाहिए। ये देखिए, ये दो स्प्रिंग, ये देखिए लगभग दो या तीन है, तो दो तीन में कोई दिक्कत नहीं है, दो तीन, ये देखिए लगभग हमारी जो ये दब रहा है लगभग दो तीन है। ठीक दोस्तों, इसके बाद दो तीन इसके गैप आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से टाइट कर देना है। ज्ञान का पानी।
अब इसके बाद दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, ये जो नली है फिल्टर की नली को आप लगा देना, इसके बाद हम निकालेंगे इसका एयर। इसके बाद हमने इसमें मोबाइल डाल दिया है, इसके बाद इसकी टैपिंग की सेटिंग करना होता है। मोबाइल हमने 3.5 लीटर इसमें डाल दिए। तो दोस्तों जो आप ये इसमें चाबी होती है, जो ये चाबी जो देख रहे हैं, इसमें चाबी एक होती है, आपको दिखा दें, ये चाबी होती है, इसको टॉप में कर देना है, फुल पूरा जितना होता है हमारा, बिल्कुल पूरा ऊपर सामने ऊपर कर देना है। इसके बाद जिसको देखना है इसमें कितना गैप आ रहा है, तो इसमें हमारा जो गैप है ये बिल्कुल सही है, इसमें लगभग हल्का गैप होना चाहिए बीच में, जिससे कि हमारी वाल की स्प्रिंग ना दबे, जिससे कि कंप्रेसर ना लीक। तो हमारी वाल टैपिट सही है, तो टैपिट हमारी सही है, इसमें कोई ज़्यादा ना टाइट है ना लूज है, बिल्कुल फिट है। इसकी मतलब होता है कि जो वाल की स्प्रिंग होती है वो ना दबने पाए, तो हमारी सही है। तो इसके बाद हम इसका पल्ला लगा के और तेल की सप्लाई दिखाते हैं कैसे पहुँचाना है। निकालते हैं, सबसे पहले निकालने के लिए इसका जो 10 नंबर का नट है इसको आप निकाल लीजिए। इससे जब थोड़ा सा डीजल जब निकलने लगे इसके बाद बंद कर देना, इससे क्या जिससे क्या होगा कि एयर हमारा निकलेगा नहीं। तो इसको अच्छे से टाइट कर देना, टाइट कर देना। घुमावा देखिए क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमारा एयर निकल, अब थोड़ी तेजी घुमावा, थार होके घुमावा, टाइट जाएगा। हाँ बस वही देख सकते हैं, तेल की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके बाद हम इसकी नली लगाते हैं। नली के अलावा कहाँ है, यहाँ मोटा भाई लगाओ, 70 नंबर ये कहती रही ले। इसके बाद इसकी नली जो लगा के इसके बाद तेल की सप्लाई उधर देखते हैं, इसके बाद नोजल को तेल की सप्लाई देते हैं। 70 नंबर इसके बाद हम दोस्तों चलते हैं उस तरफ नोजल की तेल की सप्लाई देखने के लिए जाते हैं। बस तुम स्टार्ट करो पहले तेल की सप्लाई, देखिए उज्जे देखा हुआ नहीं। हाँ का तेल तो आ गया है, नोजल तेल सप्लाई दिखा दीजिए। घुमावा घुमावा हन के स्पीड में घुमाओ, जल्दी जाओ। टाइम लागी कैसे, बस वही जितनी दफा बाद दोस्तों हम इसको स्टार्ट करने की पोजीशन में, स्टार्ट करा तेल लगा के स्टार्ट करे हेलो ओ या तेल देखी लाग जाना बहुत हराम करना हो ना, पर स्टार्ट करा, स्टार्ट करा। हन के तेज मारा, हन के तेज
सर।